खूबसूरत लग रहा है रात के टाइम जामा मस्जिद, कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ जामा मस्जिद के अंदर कितनी रौनक है, अंदर भी कितनी रौनक है, बाहर तो बाहर अंदर भी रौनक है। देखने वालों कैसे आप सब लोग, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं कुरैशी के कबाब से जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने, मेरे साथ बने रहिए। मैं बताऊंगी आपको यहाँ के दिल के टेस्ट करके कि कैसे इनका टेस्ट, और शेयर करूंगी आपके साथ। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक देखिए। चलिए मेरे साथ। ये देखिए दोस्तों क्या बढ़िया कबाब बन रहे हैं, ये चिकन टिक्का और ये साथ में क्या बन रहा है, इतना सारा मक्खन डल गया। एक मिनट जरा मक्खन को दिखाओ, जरा इतना मक्खन इसमें डाला है इन्होंने, कड़छियां भर भर के अमूल मक्खन डाल रहे हैं। ये क्या चिकन टिक्का है, चिकन टिक्का को मक्खन में डुबो दिया, नहला दिया है। और साथ में क्या बन रहा है इनके, अफगानी कबाब साथ में बन रहे हैं, अफगानी टिक्का। वाह जी वाह, क्या बढ़िया शानदार, देखकर ही मुंह में पानी आ गया। वाह इतने लजीज मजेदार। और इस तरफ भी देखिए ये बन रहे हैं सीख कबाब, मटन सीख कबाब बन रहे हैं और ये तैयार भी हुए पड़े कुछ ये। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया तरीके से तैयार हो रहे हैं ये मटन को। यहाँ पर खुद ही आप इसको करते हैं, मिल्स करते हैं जी। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए सब तैयार हुए पड़े हैं, जरा ये दिखाइए, सब तैयार हो चुके हैं। जरा भैया की साथ हटाएंगे दो मिनट, ये दिखाओ मेरे को। क्या शानदार बढ़िया तरीके से पके हुए कबाब है, मजा आ गया देख के। मुझसे तो रुका नहीं जा रहा, मैं फटाफट इनको टेस्ट करके आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस। चलिए मेरे साथ बने रहिए। और चिकन कबाब रोल का है 240 रुपये, और मटन कबाब के 240 रुपये। फिश कबाब सीजनल है, 4 पीस है 280 रुपये। रुमाली रोटी 6 रुपये। क्या आपका नाम क्या है भैया? शाबिर आलम। शाबिर भैया आप हमारे लिए क्या क्या लगाएंगे? एक तो मटन के कबाब लगा दीजिए हमारे लिए, एक प्लेट मटन कबाब लगा दीजिए, एक चिकन टिक्का लगा दीजिए, हाफ चिकन टिक्का और एक रुमाली रोटी, दो रुमाली रोटी दीजिए, फिर बाकी हम आपको बताते हैं। ठीक है, एक कोक भी दे देना ठंडी ठंडी। दोस्तों हमारा लग गया खाना, ये है मटन सीख कबाब, चिकन सीख कबाब और ये अफगानी टिक्का, साथ में एक रुमाली रोटी हमने ली है और सलाद दी है, चटनी दी है साथ में, और ये रायता लग रहा है मुझे। इसको टेस्ट करके बताती हूँ मैं आपको एक एक करके क्या टेस्ट है। हाँ जी वैसा मैं जामा मस्जिद के सामने आपकी ये वाला घर तो नया बनाया है मेरे, अभी एक महीना जैसे कुरैशी तो है, तो 70 साल हुआ है, 70 साल हो गए, 26 साल में खुद हुआ काम करते। अच्छा बढ़िया, बहुत ही बढ़िया खाना, तो हमने आपका पहले भी टेस्ट किया हुआ है, हम दोबारा से आए पर ये नया आपका देख करके, नया आउटलेट देख करके रुके यहीं पर। तो असल में वहाँ पे क्राउड होता था तो लोग यहाँ से भी कुछ वापस चले आते हैं, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सस्ता रहता है, मतलब लोग अपने हिसाब से देख जाते हैं। मेरे से बच्चे लोग आने चाहे तो यहाँ पर ये अभी 2 बजे स्टार्ट होती है और 12 बजे तक। ठीक है, हम अपना खाना टेस्ट करते हैं। ठीक है बताइए आप। थैंक यू। ये एक डिश और आई है दोस्तों हमारे लिए, चिकन बर्रा मक्खन में डूबा हुआ, मतलब इतना मक्खन बहुत ज्यादा, इसलिए हमने प्लेट मंगवा ली, भाई इतना मक्खन हम तो नहीं खा पाएंगे, अलग से निकाल लेते हैं जितनी जरूरत है मक्खन की हमें। करके टेस्ट करके बताती हूँ फ्रेंड्स, बड़ा ही लजीज लाजवाब खाना लग रहा है ये। ये हमारी रुमाली रोटी और साथ में हमारा ये चिकन सीख कबाब, ये आ गई चटनी, और बिना प्याज के तो ये बिल्कुल अधूरा है। ये प्याज डाल के क्या लाजवाब टेस्ट है, मतलब मजा आ गया, ऑथेंटिक टेस्ट, बहुत ही बढ़िया। अभी मैं दूसरा कबाब टेस्ट करती हूँ, ये मटन सीख कबाब, चटनी लगा के ये सारी चीजें, प्याज चटनी के बिना अधूरी है, जब तक प्याज और चटनी का साथ ना हो तब तक ये कबाब पे बेचारे अधूरे।
बढ़िया सवाल, इतना सॉफ्ट के मुंह में जाके घुल रहा है, मजा आ गया। एकदम ऑथेंटिक ट्रेडिशनल टेस्ट जैसे होता है इनका, मजा ही आ गया। मैं आपको तीसरे आइटम टेस्ट करके बताती हूँ। ये अफगानी चिकन क्रीम से भरा हुआ, मक्खन से भरा हुआ। मैं आया था मक्खन में डुबो के आया था, मैंने अलग करवाया मक्खन। बहुत ही सॉफ्ट चिकन की क्वालिटी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया टेस्ट, मजा आ गया ना। जूसी, अभी आपको बाहर दिखाया था किस तरीके से वो सीखों में डाल करके उसको पका रही है। मैं चिकन का आइटम टेस्ट करके बताती हूँ। यह चिकन क्या आइटम है, ये बर्रा, चिकन बर्रा। इसमें भी क्रीम और मक्खन खूब ज़्यादा डाल रखा है। ये चटनी में डुबोया है इसको, और ये मैं आपको काफ़ी दिखा रही हूँ। ये विद बोन्स है, ये बोनलेस था। चिकन की क्वालिटी तो जैसे इसकी वैसे इसकी बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। दोस्तों कुरैशी के कबाब खा के मजा आ गया, घर को जा रहे थे लेकिन जाते जाते चांदनी चौक का मोड़ आया। मैं कहा ऐसा हो नहीं सकता कि चांदनी रात में चांदनी चौक को ना देखें, तो मुझे याद आ गई एक फ्रूट क्रीम जो एक छोटी सी रेडी साइकिल नुमा रेडी पर लगाते हैं एक अंकल जी, उनसे मैं फ्रूट क्रीम खाऊंगी। और यहाँ की चांदनी चौक में रात को 9 बजे गाड़ियों की एंट्री भी हो जाती है, इसलिए आराम से इसी में बैठ के गाड़ी में जाएंगे, फ्रूट क्रीम खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये फ्रूट क्रीम आइसक्रीम वाले जो बैठते हैं ये फवारा चौक पे बैठते हैं गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने। हम वहीं गुरुद्वारे के सामने जा रहे हैं, सीसगंज गुरुद्वारे के सामने। ये भैया अपना नाम बता दो थोड़ा। सर मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र जी कितने बजे से कितने तक बैठते हो आप यहाँ? शाम को 8 बजे से रात के 1 बजे तक। रात के 1 बजे तक बैठते हो, और कितने के देते हो ये कप? और ये 40 रुपीज मिनिमम कप है। 40 रुपीज का कप है। हाँ जी। और फोन में सेम रेट ऑफ कप में भी, और फोन में भी। बहुत ही बढ़िया टेस्ट, बहुत ही, ये बच्चों की तरफ जेली भी डाल के दी है उन्होंने, लाल रेड जेली, और जमी हुई फ्रूट क्रीम है, बहुत ही टेस्टी, एकदम देसी देसी टेस्ट है, पर बहुत ही स्वाद है। तो दोस्तों आज के स्वाद का मजा आ गया, आनंद आ गया, ऐसे ही मैं आपको अच्छे अच्छे आनंद देती रहूं, स्वाद दिलाती रहूं। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे दोबारा किसी नई जगह पे। बाय बाय।